में क्या क्या प्रॉब्लम है आपकी, आप कहाँ पर हैं अभी? कहाँ जी सर? मैं ताज फरीदाबाद में सर मैं काम कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट में हूँ सर मैं, रेस्टोरेंट सुपरवाइजर। ताज में कौन से विवांता में? जी सर फरीदाबाद। अच्छा अच्छा ठीक है, सुपरवाइजर हैं आप, फिर आगे बताएं क्या प्रॉब्लम है। सर हम लोगों ने एक कंसल्टेंसी की हम एक सर एक उसमें आए हैं उसमें लूप में, उसका नाम है सर सी एन इमिग्रेशन सर्विसेज। सी एन इमिग्रेशन सर्विसेज सर, ये जो नेहरू प्लेस में सर। ओके तो सर हम लोगों ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है कैनेडा के लिए एज अ असिस्टेंट मैनेजर और F&B एग्जीक्यूटिव सर। तो उसके लिए हम लोगों ने सर कुछ पैसे दिए 23,000 रुपीज अभी दिए हुए हम लोगों ने। टोटल उन लोगों ने 80,000 प्लस टैक्सेस मांगा था हम लोगों से, जो कि 94,200 रुपीज होता है सर टैक्स मिला के 18% GST। उसके बाद सर उन लोगों ने बोला कि हम आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएंगे, सो जो उन लोगों ने करवाया जिसमें 72 पॉइंट्स मिले थे सर, एज मैरिटल स्टेटस ये सब सर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसको मिला के। उसके बाद सर फिर एक कैनेडा से हमको कॉल भी आया था कि आप मतलब कि इंटरेस्टेड हैं, जॉब प्रोफाइल के बारे में इंटरव्यू भी हुआ, और सर उनका नाम है मिस्टर मैथ्यू जिस नंबर से कॉल आया था कैनेडा से। तो सर उसमें भी हम लोग एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स वी आर ओके एज दिस कंसल्टेंसी इज सेइंग सर अबाउट इट अस कि आर एलिजिबिलिटी सर ओके, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। उसके बाद सर हम लोगों को फिर वो पैसे और लेंगे और उसके बाद वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे सर बोल रहे हैं, और सर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो लोग हमारा जो वीज़ा है प्रोसेस में डालेंगे, हमारा इंटरव्यू कराएंगे कैनेडा के लिए रेस्टोरेंट्स और होटल्स में जॉब के लिए सर। और सर ये जो प्रोग्राम का नाम है ये फेडरल स्किल्ड प्रोग्राम है सर। तो सर अभी तक हम लोगों ने 20 डिपॉजिट किया है और 20 और डिपॉजिट हाफ पेमेंट डिपॉजिट करने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा सर विद टर्म्स एंड कंडीशन। तो सर जैसे वो चीज़ हमको कल पेमेंट करना है, और मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी है, आपने कुछ लाइसेंस नंबर मांगे हुए थे उनसे पूछने के लिए, और आपने पूछा था कि कुछ लोग जो 10-12 लोग जो भी पिछले 2-3 महीने में जो गए हुए हैं उनके थ्रू कैनेडा, उनसे बात करने के लिए नंबर शेयर करने के लिए। तो सर उनका जो लाइसेंस नंबर है वो जो इंडिया का जो दिखा रहा है MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में उनका रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है, जो मैं आपको स्काइप की आईडी पे सर मैंने आपको शेयर किया है उनका। तो सर ये कैसी कंसल्टेंसी है, क्या इसके थ्रू हम जाएं आगे? मेरा जो जवाब है ध्यान से सुनना भाई। जी सर, जब मैं लाइसेंस की बात करता हूं मैं इंडिया गवर्नमेंट की लाइसेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैनेडियन गवर्नमेंट की लाइसेंस की बात कर रहा हूं। जी सर, अगर आपके पास कोई लॉयर का लाइसेंस है या ICCRC का लाइसेंस है तब ठीक है, उसको हम चेक कर सकते हैं पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये लोग जो बैठे हैं दिल्ली में, ये लोग किस लॉयर से, किस ICCRC कंसल्टेंट से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में मैं पता करूंगा। मतलब अगर मैं एप्लीकेंट हूं तो मैं पता, अगर इफ आई एम इन योर प्लेस, अगर मैं आपकी जगह में हूं तो मैं ये पता करूंगा कि ये काम कराने वाला कौन है। तीसरी बात, जॉब ऑफर जो दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, जो भी इंटरव्यू कर रहे हैं वो कहाँ पर जॉब ऑफर है, और जॉब ऑफर है तो उस कंपनी का क्या नाम है, उस जॉब के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, ये देखने वाली बात है। चौथी बात ये है कि आपने बात करी फेडरल स्किल वर्कर की, ये फेडरल स्किल वर्कर कुछ अलग प्रोग्राम है, जॉब के ऑफर के लिए कुछ अलग चीज है। तो फेडरल स्किल वर्कर में अगर आपके पॉइंट्स बन रहे हैं तो उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि आपके कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम में कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। जब तक ये नहीं मालूम पड़ेगा कि कितने पॉइंट्स आपके बन रहे हैं तो आपको PR जो मिलती है एक्सप्रेस एंट्री से वो मिलने वाली नहीं है। तो ये चार तरीके से हम उसको पता करेंगे, और इसी तरह से आप भी पता करेंगे। जी सर, मैंने ICCRC के लाइसेंस के बारे में उससे पूछा भी, आपके पास कोई ICCRC का लाइसेंस है? तो उन्होंने ये बोला मुझे कि नहीं, वो कोई पर्टिकुलर आदमी कोई पर्सन के ऊपर होता है, ना कि किसी कंपनी के ऊपर होता है। तो बात ये पूछने वाली ये है कि एप्लीकेशन को करने के लिए आपके पास कोई अथॉरिटी तो है नहीं है। जो लोग नेहरू प्लेस में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं,
तो उनके पास एप्लीकेशन करने के लिए एक लीगल अथॉरिटी नहीं है. एप्लीकेशन जो करता है कनाडा की कोई भी एप्लीकेशन, चाहे टेम्पररी हो या परमानेंट हो, अगर तो वो पैसे चार्ज करते हैं, पैसे चार्ज करने के लिए आपको कनाडा का लाइसेंस होना जरूरी है. अगर कनाडा का लाइसेंस नहीं है तो पैसे चार्ज करने के उनके लिए कोई अथॉरिटी नहीं है. जी सर, बिल्कुल सर. तो सर मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे हैं, कुछ और पैसे देने से पहले मैंने सोचा एक बार मैं आपसे बात करूं. सर बहुत हेल्पफुल रहा और थोड़ा ट्रस्ट रहा मुझसे आपसे बात करने में. और जो कल मुझे पैसे और देने थे वो पैसे मैं नहीं दे रहा, मैं उनसे ये सारी डिटेल्स उनसे फिर पूछूंगा, फिर आगे सर देखते हैं वो क्या बोलते हैं इसके बारे में. जो आखिरी सवाल है, जो आपने इसको अभी टच किया थोड़ी देर पहले, कि इससे पहले वो कितने लोगों की फाइल लगवा चुके हैं और उनके वीजे कब लगे हैं, कैसे लगे हैं और वो कहां पर हैं, इसके बारे में तो पूछा नहीं आपने उनसे. जी सर, जो मुझे पूछना है सर उनसे. और सर मुझसे एक और चीज पूछनी है उन लोगों से इसके बारे में सर, जैसे कि जो सर इनका जो ये है जो लाइसेंस है, लाइसेंस के बारे में जैसा आपने बोला मुझे, तो उनको एक अथॉरिटी चाहिए सर कंपनी होते हुए भी, जो आपने मुझे बताया, जो उन लोगों ने बोला कि किसी पर्सन पर्टिकुलर पर्सन का होता है ICCRC, तो ये भी सर मैं उनसे पूछूंगा. पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना. अभी इस वक्त जो ICCRC लाइसेंस्ड एक कोई कंसल्टेंट है या कोई लॉयर है, जिसको यहाँ पर लॉ सोसाइटी का एक मेंबरशिप है, उसको वो कभी भी ऐसे आधा कच्चा काम नहीं करते, वो छुपा के काम नहीं करते. वो सारे आपको जॉब ऑफर क्या है, कितने आपके पॉइंट्स हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, आपकी मेडिकल इनएडमिसिबिलिटी क्या है, क्रिमिनल एडमिसिबिलिटी क्या है, इसके बारे में वो सब बात करके फिर आपको फाइनली कहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन लगने के लिए असेसमेंट के इतने पॉइंट्स के इतने के बाद आपकी जो फाइल है वो एक्सप्रेस एंट्री में लग जाएगी. अगर लगेगी तो इस तरह से लगेगी, इतना टाइम है. वो कॉम्प्रिहेंसिव बात करते हैं, पूरी पूरी बात करते हैं. आधी कच्ची बात करके जो छोड़ देते हैं वो लाइसेंस लॉयर कभी छोड़ नहीं सकता. ये आपको थोड़ी समझने वाली बात है. और जो इंडिया के जो लाइसेंस आपने बोला, MCA वाला जो भी बोला, वो इंडिया में बिजनेस करने के लिए, इंडिया में दुकान खोलने के लिए, इंडिया में रजिस्ट्रेशन करने के लिए भारत सरकार का लाइसेंस है. उससे कैनेडियन गवर्नमेंट का, कैनेडियन इमिग्रेशन का लाइसेंस का कोई लेना देना नहीं है. जी सर, बिल्कुल. और सर मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा. सर बहुत हेल्पफुल रहा मेरा मैंने आपको कांटेक्ट करने के लिए बहुत कोशिश की. मैंने मतलब पिछले 20 डेज से मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और सर आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ सर. ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा. तो सर ये सारी डिटेल करने के बाद, अगर सर उन लोगों ने जैसे मेरा एलिजिबिलिटी टेस्ट तो लिया हुआ है और मेरे पास उनके बहुत सारे मेल हैं कनाडा से, जो मुझे कॉल आई थी कि मतलब आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, रेस्टोरेंट को कैसे मैनेज करते हैं, आपको 2-3 रेस्टोरेंट मिलेगा आप मैनेज कर लीजिएगा. तो सर हम मेरे साथ 3 दोस्त और हैं और उन लोग सब एलिजिबिलिटी में पास हो गए हैं. तब ये क्वेश्चन मुझ पर थोड़ा सा मुझे लगा कि क्वेश्चन आपसे मुझे कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है. तब सर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ कुछ फ्रॉड लग रहा था सर इस चीज़ में मुझे. और सर उनके सारे मेल मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं सर आपको किस तरीके से उसको शेयर कर सकता हूँ? मेरे को शेयर करने की जरूरत नहीं है, मेरे को देने की जरूरत नहीं है. आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि जो कॉल आपको आया इंटरव्यू के लिए, ये नहीं पता कि वो कनाडा से भी आया कि नहीं आया, पहली बात तो ये मालूम नहीं है. और वो जो आपने नाम दिया, मैथ्यू का नाम दिया, वो कौन है, क्या उनका डेजिग्नेशन है, क्या टाइटल है उनका, वो कहाँ पर काम कर रहे हैं, इसके बारे में कोई वेरिफिकेशन नहीं है कि कहाँ से. कई बार कॉल लोग वहीं से बैठे बैठे दिल्ली से करते हैं और उसका नंबर हाइड हो जाता है, नंबर लगता है कनाडा से आ रहा, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. दूसरी बात ये है कि तीनों का इंटरव्यू हो गया फोन पे और तीनों पास हो गए, सबको जॉब मिल गई, इससे मालूम पड़ता है कि वो जॉब किसी को भी दे देंगे. मेरे पास कई एग्जाम्पल पहले मेरे वीडियोस आए हैं, एक किसान को भी, एक छोटे से, एक मतलब बहुत ही छोटे लेवल के आदमी को भी बड़े बड़े GM की पोजीशन उन्होंने फोन पे अप्रूव कर दी, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था. पंजाब के ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं जहां पर जिसके पास कोई ज्यादा एजुकेशन नहीं थी, कोई ज्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसको भी उन्होंने फोन पे बात कराया. उन्होंने बोला कि आपको जनरल मैनेजर की पोजीशन हम दे देते हैं, फोन पे 5 मिनट बोल दिया. तो इससे मालूम पड़ता है कि भी जॉब फोन पे देना बड़ा आसान है, क्योंकि वजह साफ है, क्योंकि उन्हें पैसे कमाने हैं तो जॉब तो सबको देंगे ही देंगे. अगर मेरे को भी किसी, अगर आपको जनरल मैनेजर जहां आप काम कर रहे हो ताज में, अगर आपको यहां पर GM बनना है, कोई और कोई हायर लेवल पे पढ़ना है, तो आपको यहां पर बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं,
इंटरव्यू पास करने पड़ते हैं, बहुत बहुत थोड़ा मुश्किल है, इतना इजी नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि कनाडा से कोई फोन आता है उसके और बेस पे इमीडिएटली फोन पे ही अप्रूव होके बड़ी बड़ी सैलरी और बड़े बड़े आपको जॉब ऑफर मिल जाते हैं, तो बड़ी हैरानी वाली बात है। जी सर, ये सब थोड़ा शक पैदा करते हैं, इसलिए उनकी थोड़ा वेरिफिकेशन करना जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मेरा सर थॉट थोड़ा क्लियर हो गया आपसे बात करने के बाद कि ICCRC मैंने किसी वीडियो में आपके देखा था जिसमें आपने बताया था, अभी मुझको पूरा क्लियर हो गया सर इस चीज़ के बारे में, कल उनसे मैं पूछूंगा सर चीज़ों के बारे में। बीच में फोन कॉल बहुत आ रहे हैं मेरे को एक्चुअली, तो आई एम सॉरी कि बीच में वो डिस्टर्बेंस होता है थोड़ा सा। जी सर, आपको कोई सवाल रह गया तो पूछ सकते हैं। नहीं नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, कुछ होगा तो मैं आपको फिर से जरूर फिर फोन करूंगा सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप तो अब मेरी जरूरत नहीं है इसमें, आप इतना पूछेंगे तो इतना थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे सर, टेक केयर सर, बाय।